आपको जरूर पसंद आएगी। इसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। इसमें कंजूसी बिल्कुल मत दिखाइएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, चटपटी कुरकुरी करारी डिस्को पापड़ी हम दारू से बना रहे हैं इसे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं हर स्टेप पे एक टिप्स देती हूँ हर चीज के लिए। अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट्स करके जरूर से बताइए, या वीडियो देखते देखते आपको कुछ डाउट आता है तो आप जरूर से मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से दूंगी। तो देखिए कितनी करारी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चटपटी कुरकुरी करारी डिस्को पापड़ी सीख रहे हैं। मैं आपको एक स्टील के बाउल में दिखाती हूँ किस तरह से करारी है, आवाज सुन के आप देखेंगे, है ना? देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है ना आपके। तो जल्दी से हम सीखते हैं डिस्को पापड़ी, उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अभी मैं ले रही हूँ अरहर दाल, मोठ मूंग की दाल, उड़द की दाल और साबुत मसूर की दाल। ये सब मैंने 1/4 कप लिया हुआ है, इस कप से मेजरमेंट किया हुआ है। चावल का आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा, बेसन ये भी 1/4 लिया है मैंने। बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम मसाले डालेंगे उसमें नमक, हींग पाउडर, चाट मसाला और देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च से थोड़ा कलर अच्छा आता है। जितनी भी दाल है इनका मैंने फाइन पाउडर बना लेना मिक्सी में, और मैं पाउडर बनाकर आपको दिखाती हूँ। दाल का पाउडर बन गया है, पर इसको छानना जरूरी है क्योंकि एक बार में पूरी दाल अच्छी तरह से बारीक नहीं पीस पाती है। देखिए थोड़ी थोड़ी मोटी दाल रह गई है, इसको हम दोबारा से पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दाल का पाउडर बन गया है। अब मैं इसमें चावल का आटा, बेसन और गेहूं का आटा और साथ में नमक डालकर मिक्स कर रही हूँ। इसी के साथ हम लोग हींग पाउडर भी डाल देंगे। इस तरह से मिक्स करके गर्म पानी से मैं इसका आटा गूंद लेती हूँ। पानी गर्म ही ले रहा है क्योंकि गर्म पानी से दाल के जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे गल जाएंगे और बहुत स्मूथ आटा हमारा बन के तैयार होगा। हमको टाइट आटा गूंदना है। जब आटा गूंद जाता है तो 1 टीस्पून हम लोग ऑयल से इसको चिकना कर लेंगे। इन्हें हमने बस ऑयल से ही इसको लोज देना है, अब पानी यूज़ नहीं करेंगे। इतना आटा गूंदने के लिए मुझे 3/4 कप पानी लगा। ऑयल लगाकर मैं 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ, फिर हम इसकी पापड़ी बेलेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम आटे को स्लेब पे रखते हैं और हल्का सा एक सार कर लेते हैं आटे को। अगर स्टिक करता है आटा तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे स्लेब पर। वैसे स्टिक नहीं कर रहा है पर अगर करे तो आप ऑयल लगा लीजिए। अब इसकी मैं छोटी छोटी 3 पार्ट में लोई बना देती हूँ गोल। अब इसे हम बेलते हैं। यहाँ पे अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं, बेलन में भी ऑयल लगा लेती हूँ ताकि बिल्कुल भी स्टिक ना करे। बिल्कुल अच्छी तरह से हल्के हाथ से आप बेलिए, और बिल्कुल पतली है हमको बेलना है पापड़ी की तरह। ये हो गई है बिल्कुल, देखिए इतनी पतली हमने बेलनी है। आपको इसकी थिकनेस बता देती हूँ, इतना पतला हमने बेलना है। अब इसको हम फॉक से थोड़ा सा पिक करेंगे क्योंकि अगर हम इसकी पापड़ी काटेंगे तो तलने में थोड़ा फूल जाती है। अगर फूल भी जाती है तो बहुत अच्छी लगती टेस्ट में। तो लंबे पैलेट नाइफ से ही, या आपके पास कोई चीज़ स्केल हो या उससे आप कट कर दीजिए। सबसे पहले हमने जो कॉर्नर का पार्ट है थोड़ा सा दिख रहा है उसको हम हटा देते हैं। ये दूसरी लोई में मिलाकर मैं इसको यूज़ कर लूँगी ताकि एक्यूरेट पपड़ी कड़े हमारी। आपको जितनी मोटी या जितनी पतली आपको रखनी है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आराम से, बड़ा नाइफ है तो इजीली कट रही है क्योंकि हमको पता होता है कि कितना लेना है। छोटा होता है तो थोड़ा टेढ़ी हो सकती है। अब मैं लंबा काट लिया है, अब मैं इसको डायमंड शेप देती हूँ। तो इसको हल्का सा मैं साइड से करके, ये कट हो गए हैं, अब इसी से मैं निकाल कर प्लेट में रख लेती हूँ। कितनी अच्छी तरह से कट करके मैंने रखा हुआ है, अलग अलग प्लेट में रखा है, एक के ऊपर एक रखेंगे तो चिपक जाएंगे। और अब हम इनको तल लेते हैं। बिल्कुल तेज आंच पर कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, एक हम डाल के देखते हैं।
डालते ही ये ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो गया है। अब हम सब पापड़ डाल देते हैं। स्टार्टिंग में आंच तेज ही रखनी है, अब आंच धीमी कर देनी है। इस तरह से चलाते हुए हमने इसको तलना है। देखिए फ्रेंड, बबल्स आने बंद हो गए तेल में, हमारे पापड़ बिल्कुल तल गई है। अब हम निकाल लेते हैं, देखिए कितने कुरकुरे बनी है, डालते आवाज भी आएगी। सारे निकालने के बाद बाकी की भी पापड़ी में तलने डाल देती हूँ। इनको कढ़ाई में डालते ही जो अभी हमने तली थी उसमें अभी ही मसाला मिलाना है गरम गरम में, तो मैं साइड में मसाला मिलाना दिखाती हूँ आपको। पहले एक छोटे बाउल में हम लोग सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं, ताकि पापड़ी में बिल्कुल इवन टेस्ट आएगा सारे मसालों का। मिक्स कर लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने नमक थोड़ा सा आटे में भी डाला था। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं बाउल में पापड़ डालती हूँ, ऊपर से मसाला। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इतनी कुरकुरी। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कुरकुरी आवाज़ कैसी लग रही है, या आपको जो कुछ पसंद में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। इतनी जल्दी बन गई, बहुत टेस्टी भी है, मैंने तो खा के देख ली। आपको अगर चखना है और तो आपको बनाना पड़ेगी, तो झटपट से बनाइए। अगली रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। बाय।